हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनुज सुरोही। डियर स्टूडेंट, हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में, ठीक है। और मैंने इसके पार्ट बताए थे कि मिनरल्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। मैंने एक एक चीजें लिख दी है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मैक्रो मिनरल्स में कौन से मिनरल्स शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने एक चीज लिखी है कि मैक्रो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे दांतों के लिए, हमारी मतलब मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, हमें रिकेट्स नामक बीमारी वो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसके सोर्स भी मैंने लिखे हैं, मिल्क हो गया, ऑरेंज जूस, एग्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। सेकंड है हमारा पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम सही रहता है। अगर हमारी डाइट में पोटेशियम की मात्रा कम रहेगी तो ठीक है, तो हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है, बनाना हो गया, टमाटो हो गया, वेजिटेबल्स, पीनट्स, फ्रूट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम भी आपको पता है बहुत जरूरी होता है सोडियम, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल है, सॉल्ट है, पिकल्स है, बटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है हमारी बॉडी सेल्स जो होती है, बॉडी सेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी तो हमारी बॉडी सेल्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी सेल्स पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए इसके सोर्सेज है, मीट है, ब्राउन राइस है, बीन्स है, होल ग्रेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस भी हमारी बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती है, हमारे टीथ होती है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्या, फास्फोरस। और इसके सोर्स मैंने लिखे हुए एग्स, फिश, मिल्क और राइस, ठीक है। तो ये हमारे सभी जो आते हैं ये हमारे मैक्रो मिनरल्स में आते हैं, मैंने एक एक करके लिख दिया है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इसी वजह से मैंने ये सब डिटेल में लिखा है, जिससे आपको पता रहे और आप भूले ना, ठीक है, और आप अच्छे से अपने नोट्स भी तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे मैक्रो मिनरल्स और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रो मिनरल्स के बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।